दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ एक वीडियो की अर्निंग है $686, ठीक है, जिसको हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है ₹56,000। और जिस चैनल का ये वीडियो है वो चैनल पे ऐसा एक नहीं हजारों वीडियो है जो इस तरीके का अर्निंग करते हैं। और यकीन मानिए ये काम आप भी कर सकते हो सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। वीडियो को केयरफुली देखना, ऐसा कंटेंट डेली नहीं आता। ये कंटेंट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि फिर से आप 30,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल महीने में $1,200 से लेके $19,000 के बीच अर्निंग कर रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ है जो ये सिर्फ 30,000 वाले चैनल पे वीडियो पे जो व्यूज आते हैं वो दोस्तों 3.5 मिलियन व्यूज आता है। एंड ये सोचने की गलती कभी मत करना कि एक दो वीडियोज व्यूज इस तरीके के व्यूज आ गए। जी नहीं, एक दो वीडियोज यहाँ पे चैनल के अंदर आप जाके देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा व्यूज लेते हैं अपने वीडियोज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 5 दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुआ जिसमें 97K व्यूज है। एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये वाले वो वीडियो है जो 3.5 मिलियन व्यूज है, इसके पहले 1 मिलियन व्यूज गया था, उससे पहले आप 3 लाख से ज़्यादा व्यूज गए हैं। इस तरीके का दोस्तों व्यूज चलते रहते हैं। अगर मोस्ट पॉपुलर में दिखाऊँ तो मोस्ट पॉपुलर में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वीडियो जो यहाँ पे कितना ज़्यादा व्यूज यहाँ पे होता है। आप बताओ दोस्तों, है ना ये पावरफुल कंटेंट, इतना ज़्यादा व्यूज मोबाइल से वीडियो बना के हर महीने में इतना ज़्यादा अर्निंग कर लो, और क्या चाहिए। 20,000 छोड़ दो, आप थोड़ा सा $2,000 भी हो गया ना तो बहुत ज़्यादा होता है यार हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चैनल है, जो छोटा चैनल है वही बारे बड़े चैनल्स की बात छोड़ दो, मैं आपको एक और छोटा चैनल दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये एक चैनल है जिसपे कि सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो अर्निंग है वो जीरो, क्योंकि बेचारे का चैनल अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो अभी बताएंगे आपको। इनकी वीडियो में व्यूज देख लीजिए 2.3 मिलियन। बताइए कौन सा ऐसा चैनल हो सकता है जो 20,000 सब्सक्राइबर में 2.3 मिलियन व्यूज ला के दे सकता है। एंड यहाँ पे जो इनके चैनल अभी तक मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ इसके बारे में बात करते हैं। इनके चैनल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने अभी तक अपने चैनल पे जो पहला वीडियो अपलोड किया वो सिर्फ और सिर्फ 12 दिन पहले। अगर हम अपने इनके अबाउट सेक्शन में जाएं तो अभी आप देख सकते हो कि अभी ज्वाइन किए हैं 31 मार्च 2023 को, तो अभी अपना चैनल बनाया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज है 11 मई, तो आप देख सकते हो चैनल बनाने के 1-2 दिन बाद से ही ये वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनको स्टार्टिंग से ही आ गया। पहले ही वीडियो में इनको 33,000 व्यूज मिले, उसके बाद इनका हर एक वीडियो में व्यूज मिलता ही आ रहा है। आप देख सकते हैं इनका 2.3 मिलियन है, वह 1,42,000 है, 1.1 मिलियन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इस कंटेंट में कितना ज़्यादा ग्रोथ है और कितना जल्दी और कितना स्पीड से आप ग्रो कर सकते हो। सीधे चलते हैं कंटेंट क्या है एंड आप किस तरीके से ऐसा कंटेंट बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए इन्हीं का वीडियो में आते हैं। अब इनका वीडियो जो यहाँ पे जो चैनल का नाम आप देख सकते हो, अगर आपको सर्च करना तो सर्च कर सकते हो। एंड चैनल का अगर नाम से आपका इनका चैनल नहीं मिला तो यहाँ पे आप इनका यूजर नेम है, यूजर नेम से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। बैक टू वीडियो, यहाँ पे आप देखिए इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा है ये जो वीडियो है इन्होंने ये इस वाले गेम से खेल कर डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूट्यूब ने खुद लिखा है ये ब्राउज गेम, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन इस गेम के रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो दूसरा वाला चैनल जो मैंने लिखा है वो ये वाला चैनल है, और इनका जो वीडियो है ये वाला वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम नीचे वाले साइड में आप winng.live एंड यहाँ पे ब्राउज गेम सेम टू सेम है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस गेम को खेलने के 2 तरीके हैं, और इनके तरीके से आप 2 तरीके से इनका वीडियो भी बना सकते हो। सबसे पहला कंप्यूटर, दूसरा है मोबाइल। जो गेम है कंप्यूटर के लिए ही बना है ये जो BNG गेम है। यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करोगे गूगल पे BMG Drive तो यहाँ पे सबसे पहले उन्हीं का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट के अंदर जब जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे वेबसाइट फीचर कर रहा है, ठीक है। मैं जहाँ जहाँ इस माउस को हिला रहा हूँ वहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एक जोन है जिसको एनिमेशन के बारे में नॉलेज है, जिसको एनिमेशन के बारे में नॉलेज है उनको पता है कि ये ज्वाइन एक्चुअल में मूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये जो गाड़ी है दोस्तों हर जगह से मूव होगा, ठीक है। तो यही है इस गेम का प्राइस भी ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों में है, जी नहीं, सिर्फ 569 में इस गेम को आप खरीद भी सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर है। तो आप इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो और गेम का वीडियो बना सकते हो। जैसे कि आप इन्होंने देखो वीडियो जो गेम का बनाते हैं जिसके 20K सब्सक्राइबर, उन्होंने आप इनका कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल्स दे रखा है। अगर आप चाहो तो डिटेल्स को इसके आसपास भी आप आसपास भी कोई कंप्यूटर है
इजीली इस गेम को खेल सकते हो। जैसे आप इनका ये सब पढ़ सकते हो, डिस्प्ले छोड़ दीजिए, उनका ज़रूरत नहीं है। एंड अनटिल का आइस है, आप ये अब बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो डीप कूल का कूलर यूज़ किया है, उन्होंने भी देख रखा है। DDR4 का रैम यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे SSD जो देख रहे हो, ये SSD आजकल हर किसी के पास होता है जिसके पास PC होता है। जिनके पास GPU जो है, ये सबके पास नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आप चेक करना। इसके बाद बाकी का जो सारे जो भी एक्सेप्ट है, जो भी चीज़ है, वो सबके पास नॉर्मली आज के डेट में पाई जाती है। तो आपके PC में भी ये चीज़ पाई जाती है, तो आप PC से इनका वीडियो बना सकते हो, इस गेम को खरीद कर खेल सकते हो, इनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें, आपका PC नहीं है, अगर आप PC में नहीं खेलना चाहते हो, तो PC क्वालिटी इतना में हाई क्वालिटी कुछ भी रीजन हो, अगर आप चाहते हो मोबाइल पर इस काम मोबाइल से इस काम करना, तो ये भी पॉसिबल है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो यह मैं आपको मेरे ही मोबाइल से दिखाता हूँ। हमें आपको हर एक चीज़ मोबाइल से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में आप देख सकते हो, मैंने सर्च किया है BMD.drive, डॉट तो मैंने नहीं दिया, BMD.drive मैंने सर्च कर दिया, जो उनका नाम है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, उन उससे रिलेटेड बहुत सारे गेम्स मुझे मिल गए। हाँ, एक्यूरेट वैसे तो नहीं है, उनके जितना फीचर्स तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी एडिटिंग के थ्रू, एडिटिंग के हेल्प से इस तरीके को बेटर बना सकते हो। जैसे कि वो दिखता है वैसा ही ये दिखेगा। और एक प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है कि इस कंटेंट में जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं। सो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। वो वीडियोस देखने में अगर अच्छा लग रहा है, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, तो वो देख रहे हैं। बस आप अगर वो चीज़ मोबाइल से भी आप करोगे, तो बहुत कुछ आपको फ़र्क वहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ नाम और टाइटल में BMD को यूज़ करना, BMD.drive को यूज़ करना, और आप देखना आपके भी व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप जो भी गेम्स है, किसी भी गेम्स को आप ट्राई कर सकते हो। कौन सा गेम उनके वीडियो को क्लोज आता है, कौन सा ये कर, फिलहाल मैंने एक गेम इंस्टॉल करके रखा है। एंड यहाँ पे है ये वाला गेम है, तो ये वाला गेम को हम लोग प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद क्या करना होगा वो बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे प्राइवेसी प्राइवेसी है, उनको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत सारे पैसे वैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉक हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये गाड़ी मिला है। जितना आप इस गेम को खेलोगे, तो उतना आप इस गेम पर आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन में एक्सेलेटर देंगे। अब आप देखो चल रहा है इस गेम को, जैसे ही वहाँ पे होता था वैसे ही यहाँ पे होता है, यानी ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा गाड़ी नीचे गया, यहाँ पे कुछ क्रेश के निशान है, तो वो भी आए थे। तो यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके के आप इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर जो आप ग्राफिक्स वो देगा कंप्यूटर में मिलेगा, वो आपको मोबाइल में कतई नहीं मिल सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप काम चलाओ बढ़िया है, इसमें आप इसको अपना इससे आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ निकल गया। ये गेम देखने में भी अच्छा लगेगा, अगर आप, मैंने इसको देखा नहीं, अगर आपके जो भी ऑडियंस होंगे, उस बच्चे होंगे, वो इस चीज़ को ज़रूर इंजॉय करेंगे, मैं 100% श्योर हूँ। और इस कंटेंट को आप कॉपी पेस्ट करके फेसबुक पे भी डाल सकते हो। और ये जो गेम है ना, सभी लोग इसको देखना और खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। और इसको फेसबुक पे भी कॉपी पेस्ट करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। चलिए, तो मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था, सब कुछ स्टॉप कर देता हूँ। एंड अब दोस्तों, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं लेके जाऊँगा काइन मास्टर में एडिटिंग करने के लिए। तो चलिए, मैं इस वाले वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। एंड अब यहाँ पे देखिए, ये वही वीडियो जो मैं काइन मास्टर 16:9 रेशियो यूज़ कर रहा हूँ, जो सभी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, अब जो स्टार्टिंग जो सीन है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ये चीज़ तो नहीं दिखाएंगे। तो हम वो चीज़ दिखाएंगे जो हम लोग वो जो गेम खेला था वो दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग का ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग टच करेंगे, एंड इसके बाद ट्रिम ट्रिम को भी स्प्लिट लेफ्ट करेंगे, इसके बाद लेफ्ट को ट्रिम कर देंगे। और इस तरीके से दोस्तों हम लोग का गेम नज़र आएगा। तो जब तक हम लोग गेम को खेला, तब तक यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ है कि यहाँ पर नीचे की साइड और ऊपर की साइड कुछ स्पेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे आप चाहो तो इन चीज़ों को भी हटा सकते हो, जो कि अच्छा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, जो वीडियो का फाइल है, वीडियो का फाइल को सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए पेन एंड जूम का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। एंड फिर हम इसको दोस्तों यहाँ पर इसको जूम कर देंगे। अब देखिए, आप इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कोई गेम है। आप जितना चाहे इसको आगे ले जा सकते हो। आप देख सकते हो, अब यहाँ पे कोई भी कंट्रोलर्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लग रहा है ऐसा कोई कि वीडियो है, जैसा उनका वीडियो कुछ वैसा ही देखने में लग रहा है यहाँ पे। तो इस कमाल के कंटेंट में आप काम कर सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा काफ़ी क्विकली, आपका चैनल
यहाँ से ग्रो हो जाएगा। एंड ग्रो से मुझे याद आया कि आज के डेट में यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो है एनिमेशन कार्टून्स। अगर आपको कार्टून वीडियो, एनिमेशन वीडियो बनाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर स्टार्ट कर दिया। अगर नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको दो लिंक्स मिल जाएंगे, एक 3D एनिमेशन कोर्स का होगा, ठीक है। 3D एनिमेशन कोर्स में आपको बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए, एंड 2D एनिमेशन कोर्स में सिर्फ एक आपको मोबाइल फोन की जरूरत है, उससे आप A to Z काम कर सकते हो, उससे आप कार्टून वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप सेफ।